हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हमने घर खरीद लिया है तो वास्तु के हिसाब से कि हमारा घर सही बना है या नहीं बना है, या हम क्या रेक्टिफिकेशन करके अपने घर को वास्तु के हिसाब से पूरा परफेक्ट बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम जुड़ेंगे आशीष जी से, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, और उनसे जानेंगे बहुत सारी चीज़ें घर खरीदने से पहले क्या ध्यान रखें, और घर खरीदने के बाद अगर हमने खरीद लिया है, कोई फ्लैट लिया है, तो उसमें क्या क्या हम रेक्टिफिकेशन करके कि सही है कि नहीं है वो जान पाएं। तो आइए मिलते हैं आशीष जी से। सबसे पहले तो मैं आशीष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स को जानकारी, एक नॉलेजेबल जानकारी देने के लिए वो तैयार हुए। और सबसे पहले आशीष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और हम जानते हैं आशीष जी से उनके बारे में, और उसके बाद जानते हैं घर के इंटीरियर को किस तरह से ध्यान में रखें। सर अंगूर जी, धन्यवाद आपने इस चैनल पे अपने हमें व्यूअर्स के साथ कुछ ज्ञान बांटने के लिए आमंत्रित किया। मेरा ये मानना है कि ज्ञान बांटना से ज्ञान हमेशा बढ़ता है, और मैं अब बात करता हूँ डिवाइन एनर्जी कंसल्ट, जो मेरी कंपनी है, ये बेसिकली ये आई एम ए लाइफ कोच जी, और मेरे पास वास्तु के अलावा काफ़ी सारी साइंस हैं जिसके थ्रू हम लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी बात हो रही है घर वास्तु के रिगार्डिंग, के हिसाब से हम घर को किस तरह से डिजाइन करें, तो बात करते हैं वास्तु की। वास्तु का मतलब होता है जहाँ वास करता है तू। तो अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजीज को, पुरानी साइंस को देखें, तो वो जो पुराने कॉन्सेप्ट थे आज की डेट में थोड़े से चेंज हो चुके हैं, धूमिल हो चुके हैं। कारण लोगों के पास लिमिटेड स्पेस है, और कॉन्ट्रैक्टर्स के पास एक प्रेशर होता है कि लिमिटेड स्पेस में मैक्सिमम स्पेस को कैसे यूटिलाइज करा जा सके। मोर ओवर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी डायनेमिक हो गई है कि उनको हर रूम में टॉयलेट चाहिए, अपनी किचन ओपन चाहिए। पहले हुआ करता था कि रूम घर के अंदर, अगर आपने मूवीज भी देखी हो, तो टॉयलेट नहीं रखे जाते थे। लोग जाते थे फ्रेश होने के लिए, बाहर जाते थे, घर में पूजा का स्थान हुआ करता था, बीच में तुलसा जी हुआ करती थी जी। और आजकल इतने बड़े बरामदे नहीं मिलते हैं जी। आजकल सर कंडीशन ये है दिल्ली NCR में, जहाँ पे हम और आप बैठ रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट खरीदने के लिए एक इंसान की ताउम्र की सैलरी निकल जाती है और वो फ्लैट नहीं खरीद पाता। और जैसे अगर हम आज की डेट की बात करें, तो हमने वास्तु को कहीं ना कहीं अनदेखा किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग दुखी हैं। तो आशीष जी, इसी सीरीज़ में जब लोग अपना घर बनाने जाते हैं अपने पैसे जोड़ के, या तो वो घर अपना ज़मीन से बनाना शुरू करते हैं उस समय, या बने बनाए रेडीमेड फ्लैट बिल्डर्स लोग बेचते हैं, तो वो फ्लैट खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, जब वो लैंड परचेज करते हैं तो उस टाइम किस चीज़ का ध्यान रखें, या फ्लैट खरीद लिया है तो उस टाइम वो क्या ध्यान रखें खरीदते समय। सर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिस्कशन को जी। जब आप एक नई लैंड परचेज करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि उस लैंड की जो मिट्टी है जी, वो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है। कई बार होता है कि हमने देखा है कि कहीं की जो मिट्टी होती है वो इस्तेमाल कहीं भी डंप करके डाल दी जाती है। उस मिट्टी में कई बार कोई डेड बॉडीज के अवशेष भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से घर की वाइब्रेशन डिस्टर्ब होती हैं जी। और जब आप देखते हैं, आप खुदाई करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर कंकाल मिल रहे हैं जी। और नीचे जो मटीरियल होता है वो अच्छा नहीं होता जी। अब मैं डिटेल में ना जाते हुए आपको ये इसको सम करूंगा कि जब हम लैंड के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इस लैंड पे पहले क्या बना हुआ था। शमशान तो नहीं था, कोई कब्रिस्तान तो नहीं था, इसके ऊपर पहले क्या वेस्ट से दबा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ गलत हो सकता है, कुछ ऐसी दबी हुई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि फाउंडेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है जी। अगर हमारे घर की नींव सही है, तो जो उसके ऊपर इमारत है वो 100% सही होगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर लैंडफिल सही नहीं है, तो उसको निकलवाया जाए, एक्सकेवेट कराया जाए वास्तु के हिसाब से। उसके अंदर कुछ यंत्र रखे जाते हैं, अगर दोष पाया जाता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज पाई जाती हैं, उस तरीके से ठीक कराया जाता है नए लैंड परचेज करते वक्त। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अगर वो ज़मीन फर्टाइल है, उपजाऊ है, अगर खेती की ज़मीन है या वहाँ पे उग रहा है चीज़ें, तो क्या वो शुभ मानी जाएगी, या किस तरह से वास्तु के हिसाब से उस लैंड को किस तरह से आप देखते हैं थोड़ा सा। सर जो लैंड फर्टाइल है, सबसे पहले तो NCR में मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर वो लैंड फर्टाइल है तो उसके ऊपर खेती हो रही होगी, और वो आप घर परचेज करने के लिए करोगे तो सर वो मेरे हिसाब से अन्याय है जी। क्योंकि उस भूमि से अन्न उपज रहा है जी। हमें ज़मीन ऐसे मिलनी चाहिए जो अन्न ना उपजा रही हो जी।
बहुत अच्छा आशीष जी। आशीष जी, आप बताएंगे, जैसे आपने देखा फ्लैट कल्चर है, तो इसमें तो आपने बताया कि उसको बैकग्राउंड चेक कर लें, ज़मीन कोई भी खरीदें तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लें उस लैंड का, कि उस पर कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसा नकारात्मक चीज़ें तो उस लैंड के ऊपर पहले नहीं हो रही थी जी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जब भी आप कोई लैंड परचेज करना जाए, अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या जिस भी बिल्डर हो कोई सोसाइटी बना के प्लॉट बेच रहा है, तो उस लैंड की थोड़ा डिटेल में जाएं और ये पता करें कि उस पर कोई नेगेटिव काम तो नहीं हो रहा था, या कुछ अगर उस जगह पे पहले फैक्ट्री थी तो किस चीज़ की फैक्ट्री। सर, कई बार इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है जी, कई बार केमिकल वेस्ट भी होता है, केमिकल कई बार लोग बनी बनाई प्लॉट खरीद फैक्ट्री खरीद लेते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं और तब बेच देते हैं, हमें खाली जमीन दिखती है, कई बार उसके अंदर नीचे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी मिलता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें आशीष जी ने हमें बताई, हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आशीष जी, ये तो रही लैंड खरीदने की बात, अब अगर हम बात करें कि अगर हम घर रहने के लिए रहते हैं, लैंड बेसिकली रहने के लिए भी लैंड लेते हैं और लोग ऑफिस के काम के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए परचेज करते हैं, अगर हम रहने के लिए घर ले रहे हैं या फ्लैट बने बनाए ले रहे हैं रेडीमेड, तो उसमें क्या चीज़ हम चेक करें कि ये सही है या सही बना हुआ है वास्तु के हिसाब से, तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखें थोड़ा सा। सर, ये अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं इसको एक ओवरव्यू के तहत लेके चलता हूँ। जब हम एक फ्लैट लेने जा रहे हैं जी, आजकल एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो ईस्ट फेसिंग होता है फ्लैट वो बेस्ट होता है। सर, आप दिल्ली में जाके देखिए, जो साउथ दिल्ली वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस है जी, उन लोगों का सबसे ज़्यादा धन बरसा है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ अंकुर जी के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका घर ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, उस धन में उस घर में संपन्नता है, तो ये आधी इन्फॉर्मेशन है और आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा डेंजरस रहती है। आप कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे तो साउथ दिल्ली में सर सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं जी, साउथ बॉम्बे सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस है जी, आप केरला में चले जाइए साउथ में सबसे ज़्यादा गोल्ड पहना जाता है बिल्कुल, और हमारे नॉर्थ में गोल्ड का इतना कल्चर नहीं है लेकिन साउथ में ज़्यादा है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे छूट रही है जी। मैं आपको बताता हूँ कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, हो सकता है जब पेन पेपर पे समझे तब ज़्यादा समझ आए, बट हम वीडियो के माध्यम से एक चीज़ कन्वे करना चाहते हैं कि खाली ये हाफ इन्फॉर्मेशन है जी। एक्चुअल तथ्य ये होता है कि हमारी एक कॉन्सेप्ट होता है वास्तुशास्त्र के अंदर कि जो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है वो हमेशा आती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से, और जो एनर्जीज निकलती हैं वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से निकलती हैं। जब आप किसी घर के अंदर वास्तु पुरुष बैठा के देखते हैं जी, हेड से निकलती है नॉर्थ ईस्ट, और जब हमारे टेल से वास्तु पुरुष के जाता है तो वो साउथ वेस्ट रीजन होता है। अब सर, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, कई बार हम ये तो देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमें मिल रही है, ओपनिंग मिल रही है तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ये सही है जी। लेकिन हम इस चक्कर में अपना साउथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, कई बार हम अपने साउथ को ओपन छोड़ देते हैं, जबकि साउथ हमारा सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे कलेक्शन होना चाहिए। अब मैं एक छोटे सा एग्जांपल देता हूँ, हम ऑफिस की बात कर लेते हैं जी, हमारा जो धन आता है अकाउंट्स टीम के पास से आता है। अगर अब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जो एनर्जीज फ्लो करती है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट पे फ्लो करती हैं, अकाउंट्स टीम अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठ गई तो वहाँ से पॉजिटिविटी आएगी, धन का फ्लो आएगा और वो साउथ वेस्ट में चला जाएगा। इसका मतलब अकाउंट्स टीम के पास पैसे नहीं रहेंगे, अगर अकाउंट्स टीम को संपन्नता लानी है तो अपना अकाउंट्स उन्हें साउथ वेस्ट में रखना पड़ेगा। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से जब संपन्नता आई, साउथ वेस्ट में अकाउंट्स टीम बैठी है, उसने वहाँ पे अपना गल्ला रखा हुआ है जी, अपने लेजर्स रखे हुए हैं जी, अपने वहाँ पे उन्होंने अलमारी रखी हुई है जहाँ से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की पॉजिटिविटी को साउथ वेस्ट में कैप्चर कर लिया। अब आप इसको घर में देख लीजिए, आप अगर अपनी धन की अलमीरा नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो धन निकलता रहेगा, अगर आप उसको संपन्नता को आपको कैप्चर करना है, ईश्वर के आशीर्वाद को आपको लेना है,
उसको आपको अपनी अलमीरा जहाँ पे आपका गोदरेज की सेफ होगी, जहाँ पे आप धन रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, वो आपको साउथ वेस्ट में रखनी होगी, जिससे कि जितनी भी पॉजिटिविटी आपको ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो आप साउथ वेस्ट में उस आशीर्वाद को ले सके। बहुत अच्छे, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा डीपली जाने वाली चीज़ें हैं, और जो है काफ़ी अच्छे से आशीष जी ने बताए। बाकी तो आशीष जी, ये तो रही लैंड की बात, आपने काफ़ी अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बताया। अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर वो फ्लैट लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं या रेडीमेड बना बनाया घर है, बिल्डर्स फ्लोर लेना चाह रहे हैं या किसी भी बिल्डर्स का अगर फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो वो उस समय खरीदते समय किन चीज़ों को ध्यान रखें कि ये फ्लैट वास्तु के हिसाब से सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, कि किस तरह से वो परखें अगर वो खरीदना चाह रहे हैं तो। अंकुर जी, बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, इसके ऊपर हम अंकुर जी के सहयोग से सीरीज बनाएंगे जी। आज हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर वो किसी भी फ्लैट को देखने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें कि वो फ्लैट उनके लिए सही है नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट का जोन, नॉर्थ का जोन और ईस्ट का जोन ओपन होना चाहिए। ओपन इन द सेंस वहाँ आपकी बालकनी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस अब कुछ लोग आपके व्यूअर्स कहेंगे ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, आज तक उन्होंने हर किसी से ये सुना है कि फेसिंग जो होनी चाहिए फ्लैट की वो नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, ईस्ट होनी चाहिए, और जो मैं आपके व्यूअर्स को बता रहा हूँ उसके हिसाब से अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्ट बालकनी की तरफ मिल रहा है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था अंकुर जी को, कि नॉर्थ ईस्ट से पॉजिटिविटी आती है और साउथ वेस्ट में जाती है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ को आप जितना ओपन रखेंगे, बालकनी अगर उस तरफ होगी तो आपकी लाइफ प्रॉस्परस होगी, आपके घर में धन बरसेगा, आपको कुबेर देवता का, भगवान शिव का और सूर्य देव का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा, आपके घर में रोशनी होगी, वेंटिलेशन होगा, क्योंकि आपकी बालकनी में आपको हमेशा फ्रेश एयर मिलेगी। पॉजिटिविटी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट से आती है। सेकंड चीज, आपका साउथ वेस्ट का जोन जितना ओपन होगा उतना नुकसान होगा। तो साउथ वेस्ट का जोन में अगर आपको बाउंड्री नहीं भी मिलती है, बालकनी नहीं भी मिलती है, रोड बंद मिलती है, दी वेस्ट अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तुरंत वो फ्लैट आप बुक कर सकते हैं। सेकंड चीज, आपके किचन के डायरेक्शन, किचन का जो बेस्ट जोन होता है वो अग्नेय जोन होता है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में मिल रही है, उस घर के अंदर संपन्नता बरसेगी, निश्चित बरसेगी। आपकी जो वॉश बेसिन होनी चाहिए वो वाटर एलिमेंट है और किचन जो है वो फायर एलिमेंट है। आप ही जानते हैं इस बात को, फायर और वाटर एलिमेंट अगर एक दूसरे से एक लाइन में आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। लेकिन हमें पानी भी चाहिए, फायर भी चाहिए, दोनों चीज़ों का सामंजस्य बैठाना है। इसका मतलब हमें एक डायरेक्शन में पानी और फायर को नहीं रखना। आपकी फायर यानी कि आपकी किचन होनी चाहिए साउथ ईस्ट जोन में और आपका वाटर लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। जनरली जो ओपन किचन होती है उसमें लोग क्या करते हैं, एक तरफ शेल्फ आपका कुकिंग गैस होती है और बराबर में आपके बर्तन धोने के लिए, डिश धोने के लिए पानी होता है। सर वो आप यकीन मानिए उस घर में खटपट हमेशा रहती है। जहाँ पे फायर और वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है वहाँ पे आप को अननेसेसरी आप बीमार रहेंगे, घर के अंदर वाद विवाद रहेंगे। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, टॉयलेट। आज की डेट में हम ये चाहते हैं कि हमें इतना कंफर्ट हो कि हर रूम के अंदर टॉयलेट हो, लेकिन ऐसा वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। पहले आप देखते होंगे वास्तु के हिसाब से टॉयलेट घर के अंदर प्रेफर ही नहीं करा जाता, लेकिन अब मॉडर्न एज में इस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट को इनोवेट करते आ रहे हैं। बात करते हैं सर बाथरूम की जी। बाथरूम आपका होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में जी। जी अब अगर आप देखें कि अब नेक्स्ट चीज़ जो मेन होती है, जब हम पूजा घर को देख लेते हैं, किचन देख लेते हैं जी और टॉयलेट देख लेते हैं, अगली बात आती है मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ का दाम्पत्य जीवन रहेगा उसके लिए बेस्ट जोन होता है साउथ वेस्ट। इनकेस हमें साउथ वेस्ट नहीं मिलता, कई फ्लैट में हमें स्पेस कंसर्न रहता है, तो हम अपनी आगे की सीरीज में डिस्कस करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन अगर नहीं मिलती ऑल्टरनेट डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्योंकि स्पेस कंसर्नट दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा है और वास्तु ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिटेल्ड है। अगर हमें बेस्ट डायरेक्शन नहीं मिलती तो ऑल्टरनेट डायरेक्शन क्या होती है वो हम
सर के माध्यम से आगे कवर करेंगे। समराइज कर देता हूँ, आपका जो पूजा घर होना चाहिए आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन। टॉयलेट के लिए बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। हर कमरे में टॉयलेट होगा तो वहाँ पे आपके वास्तु दोष होंगे, क्या निवारण होगा आगे कवर करेंगे। किचन की बात करते हैं, किचन के लिए बेस्ट जोन अग्नेय जोन, साउथ ईस्ट जोन। ये ध्यान रखिएगा कि वाटर और फायर एलिमेंट एक लाइन में ना हो, वॉश बेसिन और आपकी जो किचन की जो गैस है वो एक लाइन में ना हो। अगर वो है तो माय डियर फ्रेंड आपको कंस्ट्रक्शन करवा के उसको वॉश बेसिन को तोड़वा के अलग जगह बनवाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट किचन की बेस्ट डायरेक्शन है। आशीष जी से हमने जाना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि घर खरीदते समय हम किस जगह किन चीज़ों का ध्यान रखें, कि किचन किस कॉर्नर में हो, बेडरूम किस कॉर्नर में हो या बाथरूम किस कॉर्नर में हो, तो ये इन सब चीज़ों का पूजा घर किस कॉर्नर में हो। और सबसे खास बात एंट्रेंस, एंट्रेंस अगर आपके दिमाग में ये मिथ है कि ईस्ट की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस दी बेस्ट है, ये हाफ इन्फॉर्मेशन मैं रिपीट करूँगा। आपको देखना होगा कि आपका जो बालकनी हो वो नॉर्थ ईस्ट में हो, ईस्ट में हो और नॉर्थ में हो। माय डियर फ्रेंड आपको ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं रिपीट कर दूं कि ये जो आपको यूट्यूब पे और गूगल पे हाफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये करेक्ट नहीं है। आप किसी स्पेशलिस्ट से पूछेगा तब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है कि वास्तु के हिसाब से हम अपने घर को किस तरह से बनाएं या खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपने घर फ्लैट खरीद लिया या घर बना बनाया खरीदा है तो उसमें हम अपने हिसाब से क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके वास्तु को अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए हम आशीष जी से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे वास्तु के हिसाब से हम किस तरह से उसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा किचन गलत डायरेक्शन में है या कोई और गलत चीज़ है या और भी हम वास्तु के बारे में काफ़ी चीज़ें जानेंगे आशीष जी से, कि घर के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कौन सा कलर अच्छा रहता है, कौन से बेडरूम में या किस जगह कौन सा कलर कराना चाहिए वो भी जानेंगे, या वॉलपेपर के बारे में कि कौन से वॉलपेपर किस तरह के वॉलपेपर हमें लगाने चाहिए या पेंटिंग्स लगानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आशीष जी के माध्यम से आप लोग जानेंगे और उसको जो है अपने जीवन में उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने ली, जानकारी आशीष जी से ली। सबसे पहले थैंक यू आशीष जी हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अंगूर जी आपका शुक्रिया कि आपने अपने परफेक्ट फ्लोर के माध्यम से व्यूअर्स को मुझे ज्ञान देने का मौका दिया। मेरे हिसाब से ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है और मुझे खुशी होगी आगे भी मैं आपके व्यूअर्स को कुछ बात अपनी शेयर कर पाऊँ। बहुत अच्छे आशीष जी, राधे राधे। और ऐसी ही इंटीरियर रिलेटेड, होम कंस्ट्रक्शन की रिलेटेड वीडियो, घर को डिज़ाइन करने से लेके अलग अलग प्रोडक्ट्स की, वॉलपेपर की वीडियो, हर चीज़ की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए परफेक्ट फ्लोर चैनल के साथ हमारे चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय भारत। राधे राधे। राधे राधे।